अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरे मम्मी हैं, इनको साइटिका बोल के था प्रॉब्लम और ये चल भी नहीं सक रहे थे। तो मैं काफ़ी जगह बताया करा, मैं ऐसे कोई मतलब कोई विलेज नहीं छुटा मेरे से कि हर जगह लेके जाके बताने करने के बाद ऐसा हो गया था कि आखिरी में मेरे को कि हिकमत से भी भरोसा हो गया था कि मेरे को कि इसमें भी कुछ फ़ायदा है बोल के। फिर बाद में मेरे को मालूम हुआ कि फिर मेरे एक मामू हैं, वो देख के करके बताया करे मेरे को कि ऐसी जगह जाइए यहाँ पे ले लेके जाओ बोल के, मेरे सगे मामू। तो फिर मैं इधर लाया करा, अल्हम्दुलिल्लाह बताया करा, अल्लाह का करम है कि मेरे वालदा चल सक रहे हैं, सब चीज़ से हर चीज़ से रिलीफ है इनको। और मेरे वालदा दवा चालू करके 10 डेज हो रहा, 10 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी रिजल्ट मिला। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार इधर आइए, विजिट करिए और अपना प्रॉब्लम शेयर करिए और बताइए। और दूसरे जो हकीम से लोग क्या करते हैं कि अपने कमाई का जरिया बना लिए, कि हमारे साथ भी हो चुका है ऐसा कि हमको दो दो तीन तीन महीने चार चार महीने बुला के 5,000-10,000 ऐसा ले लेंगे, हमारे को ऐसा वो करे सो भी है। तो मैं इधर आया बस कि एक चीज़ अच्छी दिखी मेरे को कि इधर कि एक महीने की दवा, बस असली हिकमत इसको बोलते हैं कि एक महीने की दवा में और 10 दिन में हमको माशाल्लाह बहुत अच्छा काफ़ी रिजल्ट मिला और माशाल्लाह से मेरे वालदा चल भी सक रहे हैं, सब चीज़ कर सक रहे हैं। और ऑलरेडी डॉक्टर्स के ने बताया तो डॉक्टर्स जो ये बोले थे कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आज अल्लाह का करम है कि इधर आने के बाद ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही। और बहुत सारे काफ़ी जो हकीम के ने जहाँ बताया करा में वहाँ 4-4 महीने की दवा दिए, 10-10 हज़ार ले लिए, 20-20 हज़ार ले लिए, तो कोई फ़र्क ही नहीं था, बस थोड़े दिन रिलीफ रहना, फिर वही सेम पोजिशन पर आ जाते थे। अच्छा अल्लाह का करम है, आप लोग आइए एक बार विजिट करिए, ये अपना गोलखंडा किला कटोरा हाउस के पास है और डॉक्टर अदनान साहब है, इनके पास आके आप विजिट करिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। अदबन गुजारिश, आप लोग आइए देखिए एक बार बताइए।